हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वही क्रेडिट कार्ड अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, अच्छे जगह पे इस्तेमाल करें, एक सेंसेबल तरीके से हम इस्तेमाल करें, तो डेफिनेटली वो क्रेडिट कार्ड का हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। अब आप जानना चाहेंगे क्रेडिट कार्ड का भाई फ़ायदा क्या है। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बैंक आपको वो क्रेडिट देती है 30 से 40 दिन के लिए, आप कुछ भी खरीदते हैं और आपको जो क्रेडिट मिलता है वो 30 से 40 दिन के लिए आप पैसा को बिना पेमेंट किए रख सकते हैं। 30 से 40 दिन के बाद ही आपको पेमेंट देना पड़ता है। तो इतने दिनों में सपोज आपने महीने का 1 लाख रुपया खर्चा किया, 50,000 रुपये खर्च किया, 10,000 रुपये खर्च किया, जो भी आपने खर्च किया, ये पैसा आपका आपको बैंक ने दिया 1 महीने के लिए। तो 1 महीने के लिए अगर आपने आपको बैंक ने दिया तो इसका इंटरेस्ट हमें कितना मिलता है, अब आप जोड़ सकते हैं। इसका जो इंटरेस्ट है, अगर हम नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की हम बात करें तो समवेयर अराउंड 3.5% का हमें इंटरेस्ट मिलता है। सो 3.5 यानी कि 0.3% का जो पर मंथ का आपको इंटरेस्ट होता है, तो वो 0.3% आप अगर बड़ा अमाउंट में देखें तो बहुत अच्छा अमाउंट होता है। तो 0.3% आप आसानी से बना सकते हैं, यानी कि करीब 1,000 रुपये में 3 रुपये हो जाता है, और 10,000 में 30 रुपये है ना, और 1 लाख में 300 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 300 रुपये, 1 लाख में 300 रुपये का पर मंथ का आपको ये हो जाता है, आपका सेविंग होता है। अगर वो 300 रुपये अगर आप किसी कहीं दूसरे जगह आप इन्वेस्टमेंट में डाल दें तो आपका ये फर्दर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड जो है आपके लिए सेफ तब है जब आप टाइम पे उसका पेमेंट करते हैं। तो टाइम पे अगर आप पेमेंट करना है देन क्रेडिट कार्ड इज़ वेरी गुड। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि हम जो ड्यू अमाउंट है उतना ही दे के हम छोड़ देते हैं ड्यू डेट तक, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ड्यू मिनिमम अमाउंट जो ड्यू होता है, अगर सिर्फ आपने उतना ही पेमेंट किया तो बाकी का जो पैसे का है वो 36% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट ले लेता है बैंक, जो कि बहुत ही डेंजरस है, और इस ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। तो पहली बात जो है, क्रेडिट कार्ड आप लेने के बाद उसको आप जितना इस्तेमाल करना है, जितना ज़रूरी है उतना ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अननेसेसरी खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खर्च करने से फिर आपका बर्डन बढ़ेगा, फिर आप टाइम पे अगर नहीं पे कर पाए तो आपके लिए एक मुसीबत बन सकती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए क्रेडिट कार्ड ले, लेकिन उसको सेंसेबल तरीके से खर्च करें। सेंसेबल तरीके से कहीं पे भी आपको जो भी खर्च करना है उतना ही खर्च करें, और टाइमली उसका जो पेमेंट है वो पेमेंट कर दें, फिर वो एक तरीके से आपके लिए एक ब्लेसिंग का भी काम कर सकता है क्रेडिट कार्ड। थैंक यू।